नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों हमारे हाईटेक की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे रोग हो रहे थे किस में, सीरियल फैमिली में, या यूं कह दो कि फील्ड क्रॉप में क्या हो रहे थे, जितने भी रोग हो रहे थे उनको हमने पढ़ा था, उनकी बात करी थी। जैसे कि अपने किस में, तो अपन ने मक्के में पढ़ लिया, अपन ने ज्वार में पढ़ लिया, अपन ने बाजरा में पढ़ लिया, इन सब की बात अपन ने करी थी। आज अपने को क्या पढ़ना है भाई? आज अपने को शुरुआत करनी है डिजीजेज ऑफ पल्स क्रॉप, अरे दलहनी फसलों की बात करनी है साहब। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बात करेंगे अपन दलहनी फसलों की। सभी को नमस्कार। एक बार क्या कीजिए, आप सभी लोग अपने ग्रुप में अपने साथियों को या जो भी अपने तैयारी करने वाले मित्र गण हैं सभी को क्या कीजिए, इस क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी क्लास से क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लास में जुड़ पाए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिल्कुल एग्रीकल्चर स्टूडेंट गुड इवनिंग। किशन कुमार बिल्कुल, जय हिंद। है ना, सभी क्या करिए, एक बार आपका लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो पाए, अपनी क्लास में जने और जुड़ पाए, अपने साथीगण जुड़ पाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज क्या पढ़ना है भाई? डिजीज पढ़नी है, रोग पढ़ने, किसके? अपनी दलहनी फसलों के रोग पढ़ने। दलहनी फसलों को के रोग पढ़ने से पहले हल्की सी बात किसकी करेंगे कि दलहनी फसलें होती क्या है। अरे पहले यह तो पता हो कि दलहनी फसलें क्या होती है। गुरुजी फिर पढ़ाना, क्या पढ़ाना? अरे आप पढ़ाना इसकी बीमारियां। बीमारी से पहले क्या करेंगे, हल्का सा पल्स क्रॉप के बारे में बात करेंगे और क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। देखना दोस्तों, जो पल्स क्रॉप की बात कर रहे हैं, जो वर्ड पल्स है, क्या है भाई, जो पल्स वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक पोर्टुगीज वर्ड है। कैसा वर्ड है भाई? एक पोर्टुगीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक पोर्टुगीज लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, हाई प्रोटीन। अरे दालों में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसको कि जितने भी मसल बिल्डिंग है, या फिर क्या बोलते हैं, जितनी भी आपके मांसपेशियां हैं शरीर में, अगर उनको मजबूत करना तो क्या खाइए, दालें खाइए। अगर हाइट को बढ़ाना तो भी क्या खाइए, अरे दाल खाने का प्रयोग करना चालू कर दीजिए। अच्छा, अगर हाई प्रोटीन, तो कितना प्रोटीन होता है भाई इसके अंदर? जनरली पल्सेस में 20 से 25% क्या होती है, एक रेंज है किसकी, प्रोटीन की। अगर यूं कहें कि पल्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी पल्स में होता है, बताओ भाई किस में होता है? ये होता है आपके मूंग में। किस में होता है भाई? मूंग में। और एक और बात बोल दूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइजेस्टिबल है ना, जो आपके पेट पे पल्स भी कौन सी है, आपके मूंगी है। ये तो क्या हुई अपने जनरल बातें। अच्छा, अब कुछ पल्स के बारे में एक और बात बता दूं आपको। एक साल था, उस साल का कौन सा भाई ईयर था? 2016। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, और क्या बात लाए हो गुरु जी? और देखना, और आपके लिए क्या लेके आए हैं। एक बात आती है, एक अमीनो एसिड होता है। कौन सा अमीनो एसिड होता है, बता रहे हैं कौन सा होता है। एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है मिथियोनीन। वो क्या होता है, इन सभी पल्सेस में कमी पाई जाती है। यूं कह दो, मिथियोनीन की क्या होती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्या कर रहे हैं अपन? डिजीजेस ऑफ पल्स क्रॉप को पढ़ने से पहले हल्का सा पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दलहनी फसलों के बारे में क्या कर रहे हैं, हल्की सी बात कर रहे हैं। क्या क्या बोला है? जो वर्ड पल्स है, पल्स किससे बना हुआ है, एक पोर्टुगीज लैंग्वेज का वर्ड है। क्या मतलब होता है उसका, हाई प्रोटीन। अच्छा, हाई प्रोटीन की बात है, कितना परसेंट प्रोटीन होगा गुरु जी? 20 से 25% क्या होता है, जनरली पल्सेस के अंदर पाया जाता है। अगर आपको ये पूछे कि पल्स में से सबसे ज्यादा किस में होता है, तो किस में होता है भाई, मूंग बीन में से होता है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मूंग के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। हाईएस्ट केस में होता है तो मूंग बोल दिया। अगली बात करनी है कि सबसे ज्यादा डाइजेस्टिबल, यूं कहो कि पेट के ऊपर सबसे ज्यादा हल्की कौन सी है, इसीलिए क्या खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं। जो बीमार लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, मूंग की दाल का सेवन करते हैं। समझ में आया क्या? एक साल है 2016, उसको क्या नाम, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के नाम से जानते हैं। एक अमीनो एसिड होता है, इसका नाम क्या है, मिथियोनीन। बोलते हैं कि जितने भी जो पल्स है वो क्या है, इस मिथियोनिन अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी उनमें पाई जाती है। अच्छा,
अब बात करें कि पल्सेस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां होता है। क्या भाई पल्सेस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां होता है? तो एक आपके स्टेट है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है भाई? मध्य प्रदेश नाम का क्या है, एक स्टेट है जिसको अपन एमपी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पल्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, साथ ही में अगर मध्य प्रदेश की बात हो गई है तो यूं कहो कि एक फसल है जिसका नाम क्या है, सोयाबीन की फसल है, उसका भी जो सोयाबीन का भी जो प्रोडक्शन है ना, सोयाबीन का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगर उस जगह पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मध्य प्रदेश को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? सोया स्टेट। अरे क्लियर हुआ क्या? बेसिक बातें कर रहे हैं अपन किसके बारे में, दलहनी फसलों के बारे में। अच्छा, पल्स के बारे में लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, एक इंस्टीट्यूट की बात भी कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये साहब आपकी कहां है, ध्यान रखना आपके है कानपुर के अंदर। कानपुर कहां है साहब? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, आपके ये इंस्टीट्यूट पाया जाता है, वहां पे लोकेटेड है। ठीक है साहब, मैंने क्या करा, पल्स के बारे में यूं कहो कि पल्स को क्या दिया मैंने, जनरल ओवरव्यू दे दिया कि पल्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है भाई? पोर्टुगीज भाषा का लैंग्वेज है। पोर्टुगीज लैंग्वेज का क्या है, वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हाई प्रोटीन। मूंग के अंदर क्या सबसे हाईएस्ट प्रोटीन पाया जाता है, एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम क्या है, IIPR। क्या नाम है भाई इसका? IIPR के नाम से जाना जाता है। कहां है? कानपुर के अंदर है। सोया स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। दलहनी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला आपके कौन सा स्टेट है, तो बताओ कौन सा है भाइयों? अरे है मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ क्या? एक ईयर है 2016, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के नाम से जानते हैं। एक अमीनो एसिड है मिथियोनिन, उसकी क्या है, पल्सेस के अंदर जनरल डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्लियर हुआ साहब? अच्छा, अब एक वर्ड है जिसमें क्या है, हम सभी लोग साहब कंफ्यूज रहते हैं, उस वर्ड का क्या मतलब है। एक तो वर्ड है पल्स, एक है आपके लेग्यूम। अरे पल्स और लेग्यूम के बीच के अंतर को भी समझा दीजिए गुरुजी। जब आपने इतना समझा दिया है तो इतना सा और सही। ध्यान रखना लेग्यूम का मतलब क्या होता है। नमस्ते, बिल्कुल आशुतोष नमस्ते, आप सभी को नमस्कार भाई। ऋतिक भी कह रहा है गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। देखना दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, एक चीज है पल्स और एक और क्या चीज है, लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब क्या होता है, अरे ऐसी फसलें दैट बियर, मैं लिख रहा हूं पहले लैंग्वेज, देखना दोस्तों क्या मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऐसी फसलें जिनका बीज किस में आए, फली में आए। अरे पॉड का मतलब क्या होता है, अरे फली होता है गुरुजी, फली में आए। अरे क्या पता है कि नहीं पता, किसने उड़द अगर आपने हार्वेस्ट किया होगा तो कैसी होती है, उड़द की भी फली होती है, मूंग की भी क्या होती है भाई, फली होती है। सर थोड़ा और डीपली बताओ, बिल्कुल एग्रीकल्चर स्टूडेंट डीपली बताएंगे। एक्चुअली क्या ये अपने एग्रोनॉमी क्लास नहीं, अपने पैथोलॉजी क्लास चल रही है, इसलिए क्या है अपन सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं, अभी डीपली अभी आपको बताएंगे। देखना भाई क्या है लेग्यूम का मतलब क्या है, ऐसी फसलें जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर बीज पॉड में आता है, फली बनती है। क्लियर हुआ क्या? उसको क्या बोलेंगे अपन, लेग्यूम बोलेंगे। अच्छा, तो पल्स में भी तो सर फली आती है, देखना पल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसी लेग्यूम, दोज लेग्यूम, क्या लिख रहा हूं, दोज लेग्यूम विच आर एडिबल। उनको क्या बोलते हैं साहब, एडिबल का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में क्या है, लेग्यूम ही है। सारे पल्सेस क्या है, लेग्यूम ही है, बिल्कुल सही बात है। पर बात क्या कर रहे हैं अपन यहां पे ये बोल रहे हैं कि ऐसे लेग्यूम जिनको अपन खाने के उपयोग में लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। यूं कह दो कि लेग्यूम क्या है, पिताजी है। क्या है भाई? लेग्यूम पिताजी है। लेग्यूम के अंदर क्या आती है,
पल्सेस आती है। और लेग्यूम का अगर आपने पढ़ा होगा तो एक है आपके सोयाबीन, नाम सुना क्या, सोयाबीन और ग्राउंडनट भी क्या है, वो भी आपके लेग्यूम है, पर सोयाबीन और ग्राउंडनट दोनों ही पल्सेस नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ध्यान रखना, आपके पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ पल्स, पल्स में क्या हो गया आपके, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरे राजमा हो गया, याद है कि नहीं है पल्सेस के बारे में, अरे ग्राम हो गया, चना हो गया, अरे सर और क्या बताया, पिजन पी हो गया, क्या हो गया भाई, पिजन पी हो गया, ये सब क्या हुई आपकी पल्सेस हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, विच इन निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, ऑप्शन आया आपके, पहला ऑप्शन कौन सा, अरे ग्राम हो गया, दूसरा उड़द, तीसरा मूंग, और एक और क्या आ गया, सोयाबीन। अरे वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर चारों की फैमिली लेग्यूमिनस ही है, अलग किसको करें, तो आज क्या करना है आपको, लेग्यूम अलग करना है, लेग्यूम अलग चीज है और पल्स अलग चीज है, केवल क्या डिफरेंस है, ऐसे लेग्यूम जो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, पल्स के नाम से जानते हैं। लेग्यूम एक बड़े पिताजी समझ लो, उस पिताजी की संतान कौन है, पल्सेस हैं, जिनको अपन क्या करते हैं, खाने के प्रयोग में लेते हैं। ठीक है साहब, पल्स कितनी टाइप की होती है उसकी बात भी कर लेते हैं। जो आपकी पल्सेस है ना, पल्सेस बोल दो या दलहनी फसलें बोल दो, इनको अपन मोटे मोटे तौर पर दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो गई आपकी खरीफ की पल्सेस, दूसरी क्या हो गई आपकी रबी में उगाई जाने वाली पल्सेस। रबी को अपन क्या बोलते हैं जनरली, अरे विंटर के नाम से जानते हैं, खरीफ को अपन क्या बोलते हैं, रेनी सीजन वाली क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। देखना साहब, आपके लिए कुछ मेजर मेजर पॉइंट लेके आए हैं, आशा करते हैं आप उन सभी को पढ़ेंगे और फिर क्या करते हैं अपन शुरुआत करते हैं। देखना दोस्तों, खरीफ की पल्सेस में कौन सी आती है। नंबर वन की बात करते हैं, आपने सुना होगा उड़द, आपने सुना होगा मूंग, अरे सुना क्या, बिल्कुल सुना है गुरुजी, हम सभी ने सुना है। तीसरा क्या हो गया आपके, क्लस्टर बीन हो गया, क्या हो गया भाई, क्लस्टर बीन हो गया। चौथा क्या हो गया आपके, अरे काउपी हो गया साहब, क्या हो गया, काउपी हो गया। पांचवा क्या हो गया साहब आपके, मोठ बीन हो गया, क्या हो गया भाई, मोठ बीन हो गया। और छठा क्या हो गया आपके, अरे पिजन पी हो गया साहब। ये क्या हो गया आपकी, सारी खरीफ वाली पल्सेस को अपन ने एक साइड लिख दिया। ध्यान से समझना भाई, जबकि सभी बिल्कुल सही, चेताराम मीणा बूंदी बिल्कुल सही कह रहा है ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ाई करो। देखना भाई, इधर बात करते हैं, नंबर वन की लिखते हैं, अरे चने की बात करना है बहुत ही जरूरी। दूसरा क्या हो गया आपके, चना लिख लिया तो अपन किसकी बात करते हैं, मटर की। तीसरा हो गया आपके लेंटिल, जिसको अपन मसूर के नाम से जानते हैं। और चौथा और आखिरी क्या हो गया आपके, राजमा की फसल। साहब हल्का सा क्या करना है, इनके बारे में समझना है, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो साइसर एरिटिनम, इसका क्या होता है आप सभी को पता है, पाइसम सटाइवम, क्या होता है भाई, पाइसम सटाइवम होता है। लेंटिल को क्या बोलते हैं, लेंस एस्कुलेंटम के नाम से भी अपन जानते हैं। राजमा को क्या बोलते हैं, फेशियलस वल्गैरिस के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नेम जानते हैं। इधर बात करते हैं उड़द और मूंग, अरे सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं आप सभी का, उड़द को बोलते हैं विग्ना मूंगो, क्या बोलते हैं भाई, विग्ना मूंगो। और मूंग को क्या बोलते हैं, अरे विग्ना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, किस नाम से भाई, विग्ना रेडिएटा, आर ए डी आई ए टी ए। ठीक है साहब, क्लस्टर बीन को बोलते हैं साइमोप्सिस, सी वाई एम ओ पी एस आई एस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा के नाम से जानते हैं। अरे काउपी क्या होता है साहब, तो फिर अरे काउपी को बोलते हैं विग्ना विग्ना उंगी कुलाटा, किसको बोलते हैं, काउपी को बोलते हैं। तो साहब ये क्या है, मोट बीन, विग्ना एको नीटिफोलिया, क्या बोलते भाई, विग्ना एकोनिटिफोलिया। और पिजन पी तो अपन सभी को पता है, कैजेनस कैजान।
क्या हो गया भाई, ये अपने साइंटिफिक नेम की बात कर ली, सारी पल्सेस क्या करा दोस्तों अपन ने पढ़ लिया। हालांकि जब एग्रोनॉमी वाले सर आएंगे तब क्या करेंगे, आपको वापस इन सभी को समझाने वाले हैं, घबराने की बात नहीं। ठीक है साहब, बिल्कुल सही सर। एजी का क्लास कब होगा? बिल्कुल सारी क्लास होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी क्या करना है, आपने को शुरुआत करनी किसकी, पल्सेस की बात कर रहे हैं, खरीफ की। और क्या हो गई आपके, रबी की। दो टाइप की पल्सेस हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पल्सेस के दलहनी फसलों के रोगों की बात कर रहे हैं। पर पहले हल्का सा किसकी बात कर रहे हैं, अपन पल्स फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं, क्या होती है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला खरीफ पल्सेस, दूसरा क्या हो गया रबी पल्सेस। खरीफ में को क्या बोलते हैं, रेनी सीजन पल्सेस, और रबी को क्या बोलते हैं अपन, विंटर सीजन। क्या क्या हो गया, ग्राम हो गया चना, ग्राम हो गया पी हो गया, लेंटिल हो गया राजमा हो गया, इधर क्या हो गया भाई उड़द हो गया, मूंग हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, काउपी हो गया, मोट बीन हो गया, और क्या हो गया पिजन पी। मैं बोलूं कि इनके अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, अरे 22 क्रोमोजोम होते हैं। इन सभी के अंदर कितने होते हैं भाई, 14। केवल एक ग्राम होता है जिसके अंदर काबुली चिकपी है ना, केसी लिख रहा हूं, उसके अंदर 2n की संख्या कितनी होगी, 16 हो। जनरल बता रहा हूं भाई आपसे, क्या कि 2n कितने होंगे इसके अंदर, क्रोमोसोम सभी कितने होंगे, 22 होंगे। इधर कितने होंगे भाई, 14, 14 कितने होंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या होगी। इधर बात करें इनकी सीड रेट की, बात बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, सीड रेट कितनी होगी दोस्तों, सीड रेट ध्यान रखना 20 से 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से क्या होगी इनकी सीड रेट होगी। इनकी बीज दर कितनी है भाई, इनकी सीड रेट है साहब जनरली अराउंड 80 केजी पर हेक्टर की होती है। ये क्या करा अपन ने, जनरल जनरल पल्सेस को खत्म कर दिया। एमसीक्यू बिल्कुल सभी के लगाएंगे अपन, एमसीक्यू क्लास भी इसके बाद अपन शुरू करने वाले। ठीक है साहब, अब देखना, एक राजमा याद रखना, राजमा के अंदर 9 राइजोबियम फिक्सेशन है ना, केवल एक ही बात आप याद रखना। ठीक है साहब, क्या बताया मैंने आपको, रबी खरीफ दोनों पल्सेस के बारे में बताया, सबका साइंटिफिक नेम डिस्कस कर लिया अपन ने, उनके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात कर लिए, सीड रेट की बात कर लिए। सभी पल्सेस की जनरल स्पेसिंग ध्यान रखना, जनरल बता रहा हूं मैं, 30x10 सेंटीमीटर होती है आपके रो इंटू प्लांट। मैंने क्या बताया आपको, जनरल बात बता दी। ठीक है साहब, ये क्या है आपकी पल्स की जनरल, जनरल सारी बातें अपन ने कर ली है। कुछ अगर रह गया होगा तो कहां करते हैं अपन, जब वो पर्टिकुलर क्रॉप पड़ेंगे वहां पे उसकी बात भी अपन कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली अपनी बीमारी से, पहली डिजीज से। किसकी डिजीज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ग्राम की, चिकपी की, किसकी बात कर रहे हैं, अरे चना की बात कर रहे हैं। चना भी दो टाइप का होता है, एक देशी एक काबुली। अपन जनरली क्या है, सभी चने को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला डिजीज ध्यान रखना, विल्ट होती है। अरे विल्ट का मतलब सूख जाना, केवल अगर विल्ट आए तो क्या बोलना है, सूख जाना। क्या सूख गया, अरे गुरुजी पौधे सूख गए। किसके पौधे सूख गए, चने का पौधा सूख गया। उससे क्या होगा, आपके दिक्कत क्या आने वाली है, अरे चने के पौधे अगर सूख गए तो आपको यील्ड नहीं मिलेगी। बीमारी किससे होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीशीज साइसरी, क्योंकि चने का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, साइसर एरिटिनम। क्लियर हुआ क्या, साइसर एरिटिनम क्या है इसका, चने का आपके साइंटिफिक नेम है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो काबुली चना जो है वो कहां आपके हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, और आपके देशी चना कहां हुआ था, भारत में हुआ था। क्लियर, आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं विल्ट के बारे में। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, मोस्ट सीरियस डिजीज है, किसकी, चने की। ये सॉइल बॉर्न है, मिट्टी से होने वाली बीमारी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टार कर दीजिएगा, अगर आपको चने में विल्ट की बीमारी को रोकथाम करनी है तो कैसे करोगे भाई, आप करोगे इसके अंदर क्या, अरे अर्ली सोइंग से बचाव करना है। क्या करना है, अर्ली सोइंग से बचना है, मतलब क्या, थोड़ा सा लेट लगाना है। लेट भी कितना हो सकता है, 12 से 15 दिन क्या करना है आपको, लेट लगाना है। और क्या बात करना भाई, डीप प्लेसमेंट। जनरली क्या होता है, डीप प्लेसमेंट का मतलब समझो भाई, ये आपका खेत है,
है ना, इस खेत में क्या करा आपने, ऐसे सोइंग कर ली। मान लो अपन जनरली क्या करते हैं, 3 से लेके 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को क्या करते हैं, अपन ऐसे रख देते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। पर अगर आपको विल्ड से बचाव करना है तो कितना सेंटीमीटर पे बीज रखोगे भाई? अरे 7 से 10 सेंटीमीटर पे क्या करना है आपको, इसको रखना है। और उसको क्या बोलते हैं अपन, सर आप विल्ड से बचाव अपना कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या साहब? आगे चलते हैं, और क्या पॉइंट लाए हैं, क्रॉप को रोटेशन करवाना है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, अरे अगर आपने इस सीजन पहले रबी के साल में अगर आपने चना लगाया तो अगले साल क्या लगा दो, सरसों लगा दो, या फिर क्या लगा दो, अरे कोई भी दूसरी क्रॉप लगा दो, जैसे मसूर हो गया, जैसे क्या हो गया आपकी गेहूं हो गया। अगला क्या करोगे, बाविस्टिन का क्या करोगे आप, सीड ट्रीटमेंट करोगे। उसकी रेट क्या है, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड की क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है साहब, और क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार क्वेश्चन पहले आपके प्री पीजी और आपके बीएचयू का सवाल है क्या, कि विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ चिकपी चने की विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, आपके अवरोधी नाम की वैरायटी। ठीक है साहब, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं भाई, अगली बीमारी की बात करते हैं। सर और कौन सी बीमारी लेके आए हो, एस्कोचाइटा ब्लाइट की बात करना है। एस्कोचाइटा ब्लाइट का मतलब क्या होता है, अरे ब्लाइट का सीधा सा मतलब है जल जाना। ऐसा लगेगा कि क्या हुआ है, आपके चने की फसल को किसी ने आग लगा दी हो। आपको कहीं ना कहीं कैसे दिखेगा, अरे सर आग लग गई है, किसी ने क्या करा हमारे खेत को जला दिया। उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लाइट के नाम से जानते हैं। क्या नाम है भाई, एस्कोचाइटा ब्लाइट। होती किससे है, एस्कोचाइटा रबी से होने वाली ये बीमारी है साहब। इसका क्या है, फंगल कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगस से कवक द्वारा होने वाली आपके बीमारी। आगे चलते हैं, ये मिट्टी से और कैसे, बीज से, दोनों ही तरीके से हो सकती है। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर कोई भी सॉइल से बॉर्न बीमारी है, मतलब क्या मिट्टी से होने वाली बीमारी है, तो आप क्या करोगे, सॉइल ड्रेंचिंग करोगे। क्या करोगे भाई, सॉइल ड्रेंचिंग करोगे, सॉइल स्टेरिलाइजेशन करोगे। मिट्टी को क्या बनाओगे, स्टेराइल बनाओगे। 10% फॉर्मिलिन वगैरह से अपन यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, बाविस्टिन वगैरह से क्या करेंगे, सॉइल ड्रेंचिंग अपन कर सकते हैं। और अगर सीड से होने वाली बीमारी तो क्या करेंगे, अरे सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद वेरियस फंगिसाइड, जैसे आपके थायरम हो गया, कप्तान वगैरह से क्या कर सकते हैं अपन, सीड ट्रीटमेंट को अपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी ऑकरेंस यूं कहो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये कौन सी जगह पे होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आगे चले भाई, ऑल पार्ट एक्सेप्ट रूट, केवल पूरे प्लांट में केवल रूट, मतलब क्या रूट कहां रह रही है, मिट्टी के नीचे, तो केवल रूट ही बचेगी, बाकी पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने क्या कर दिया, जला दिया, आग लगा। देखो भाई ऐसा क्या होगा, आपके प्लांट आपको देखने को मिलेगा, फोटोग्राफ भी आपके यहां पे लेके आए हैं। इसकी कोई रेजिस्टेंट वैरायटी है क्या, बिल्कुल गौरव, क्या है, एक आपके एस्कोचाइटा ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसका नाम याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं साहब, अगली बीमारी कौन सी है, रस्ट की बीमारी है। रस्ट में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन ने गेहूं की बात करी थी, जब अपन ने मक्के की बात करी थी, क्या होगा आपके पूरे पौधे पर, जनरली आपकी पत्तियों पर और आपके तने पर क्या आएगा, ब्राउन कलर के आपके प्यूस्ट्यूल देखने को मिलेंगे, ब्राउन भूरे रंग के आपको धब्बे देखने को मिलेंगे, जिनसे क्या होगा साहब, जिनसे क्या होगा कि आपके प्लांट के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, उसके नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साहब, किससे हो रही है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखो, यूरोमाइसिस साइसर। साइसर आपको पता है, साइसर एरिटिनम की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइसर उसका वहां से नाम हो गया, और यूरोमाइसिस क्या है, इसका आपके पैथोजन है। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी क्या याद करनी है, गौरव नाम की क्या है रेजिस्टेंट वैरायटी, वापस 5 स्टार क्वेश्चन ध्यान रखना साहब। रस्ट आया है अगर, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है पहले ही, अरे रूपल, मतलब क्या करोगे, प्लांट वैक्स का उपयोग करोगे। क्या करोगे भाई, प्लांट वैक्स का आप क्या करोगे, उपयोग करोगे, जिससे आपकी फसल क्या हो सकती है, मरने से बचा सकते हो अपनी फसल को, और रस्ट की चीज को आप क्या करोगे, कम कर सकते हो। PLANT है ना, प्लांट वैक्स।
अगली बीमारी चौथे नंबर पे कौन सी लेके आए हैं? रूट रॉट लेके आए हैं। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। और रॉट का मतलब क्या होता है? सड़ना। मतलब अगर आपकी जड़ों में सड़ान देखने को मिल गई, अरे आपके प्लांट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? उसकी जड़ें ही हैं। गुरुजी जड़ क्या करती है? अरे जड़ उसके जो आपकी मिट्टी में जितना भी पानी है, जितना भी न्यूट्रिएंट है, सबको यहां से लेती है और कहां पहुंचाती है? आपके ऊपर वाले भाग में आपकी क्या करेगी? लीव्स वगैरह तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाएगी। अगर आपकी जड़ें ही, देखो भाई ये तो आपके हेल्दी प्लांट है, अगर आपकी जड़ क्या हो गई, खराब हो गई, जड़ों में क्या देखने को मिला? आपके रॉट देखने को मिला, तो पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और कोई भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हुई क्या बात? बिल्कुल, आगे चलते हैं। केवल इसमें एक ही बात याद रखनी है, मैक्रोफोमिना फेशोलिना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैक्रोफोमिना फेशोलिना। केवल और केवल क्या याद रखना है आपको? साइंटिफिक नेम ही याद रखना है। क्लियर हुआ क्या? ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल साइंटिफिक नेम इसका भी और साइंटिफिक नेम इसका भी। आगे चलते हैं, कौन से डिजीज लेके आए हैं आप देखना। सर अगली डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू। आपको कल की क्लास में मैंने पहले भी पढ़ाया था कि पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है। व्हाइट कलर का पाउडर लीफ की अपर सरफेस पे, इनफ्लोरेसेंस पे और कहां पे? सर पूरे तने पे आपको देखने को मिलेगा। मेनली कहां हो रहा है? आपकी लीफ पे ही देखने को मिलता है। सर इससे इसका कौन सी कवक कर रही है? ओइडियम टोरिका या लेवेलुला टोरिका। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के शायद आपके राजस्थान सरकार का ही पेपर था, है ना? कौन सा था मैं बोल रहा हूँ, शायद एओ या डब्ल्यू का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ चिकपी इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन क्या गया था उसका आंसर? लेवेलुला टोरिका उसका आंसर गया था। ठीक है साहब, शुरुआत करते हैं। सर इसको, इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था सल्फर फंजीसाइड या केराथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। केराथेन या सल्फर फंजीसाइड का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपकी पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी से क्या कर सकते हैं? अपन बचाव देख सकते हैं, आप बच सकते हैं। क्लियर हुआ क्या साहब? आगे चलते हैं भाई। अगली कौन सी बीमारी लेके आए हैं? स्टेम रॉट। देखो भाई, रूट रॉट का मतलब क्या था? जड़ों का सड़ जाना। स्टेम रॉट का मतलब क्या है? तने का सड़ जाना। अगर तना सड़ जाएगा तो भी क्या होगा? आपकी ऊपरी भाग, जो आपकी पत्तियां हैं, जो आपकी ग्रेन्स है, वहां तक आपके क्या नहीं पहुंच पाएगा? खाना नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लांट सूख जाएगा, प्लांट मर जाएगा। हो किससे रही है? स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटियोरम। किससे हो रही भाई? स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटियोरम। केवल साइंटिफिक नेम ही याद रखना है। आपके लिए डायग्राम लेके आए, क्या हो रहा है? देखो भाई, तने के आसपास जो उसका तना है वो क्या हो गया है? सड़ गया है, सूख गया है, तो क्या बोलेंगे? स्टेम रॉट की बीमारी देखने को मिली। आगे बात करते हैं साहब, अगली कौन सी क्रॉप लेके आए हैं? लेंटिल लेके आए हैं। लेंटिल को हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुजी? अरे मसूर के नाम से जानते हैं। लेंटिल के बारे में और कुछ बात करें तो लेंटिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटम। जनरली जो इसकी सीड रेट देखी गई ना, इसकी सीड रेट अराउंड 40 से 60 केजी के आसपास अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, देखते हैं। ठीक है साहब, लेंटिल की बात करें, मसूर की बात करें ना, मसूर भी क्या लाल कलर की होती है, थोड़ी ऑरेंजिश, ऑरेंज या लाल कलर की क्या होती है अपने मसूर अपने को देखने को मिलती है। मसूर की पहली बीमारी की बात करते हैं भाई, अरे विल्ट। विल्ट तो सर अभी जस्ट पड़ा था, कहां पे पड़ा था? चने में पड़ा था। क्या पड़ा था? कि पूरा का पूरा पेड़ सूख जाए, अगर आप वहां पे क्या हो जाए, सूखना देखने को मिले। देखो क्या हो गया, ये हेल्दी आपके क्या है? पौधे हैं, और ये क्या है? आपके सूखे हुए पौधे। आप बोलोगे क्या कि गुरुजी पानी की कमी हो गई? अरे पानी की कमी नहीं हुई सर, आपके क्या हो गया? आपके वहां पे आपको पूरा का पूरा फंगस का अटैक देखने को मिला। फंगस कौन सी है? फ्यूजीरियम ऑक्सीस्पोरियम फॉर्मा स्पीशीज लेंटिस। क्या है आपकी? ये कवक है जिसके द्वारा रोग हो रहा है। कौन सा रोग है भाई आपके? विल्ट का रोग है। ये भी कैसी है? सॉइल बॉर्न है, मिट्टी से होने वाली बीमारी है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, इसमें होता क्या है? जो आपके सीडलिंग स्टेज है, जब पौधा उगा ही है अभी 4-5 दिन बाद, वहां से लेके आपकी पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? इससे इफेक्ट हो जाएगी। होगा क्या? देखना भाई,
आपके क्या होगा इसके अंदर, पैचेस देखने को मिलेंगे खेत में, किसके, आपके सीडलिंग के सड़ने के, सीडलिंग के मुरझाने के, क्या होंगे आपके पैचेस आपको खेत में देखने को मिलेंगे। और क्या होगा, ड्रोपिंग, ड्रोपिंग का मतलब क्या होता है, पत्ती का ऐसे गिर जाना, कैसे भाई, पत्ती स्ट्रेट ना खड़ी होकर साइड में क्या करे, गिर जाए, क्या बोलेंगे, ड्रोपिंग। एंड विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, सूख जाना, क्या होगा भाई, सूख जाना। क्लियर हुआ क्या? एक और पॉइंट आपके लिए लाए हैं, प्लांट बिकम कंप्लीटली येल्लो एंड डाई, पता है सूखेगा तो कैसे सूखेगा, येल्लो हो जाएगा आपके, पीला पड़ जाएगा, देखो पीला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पीला पड़ रहा है गुरुजी, और क्या हो रहा है आपके प्लांट सूख जा रहा है, मर जा रहा है। कौन सी बीमारी है, विल्ट की बीमारी। उसके बाद में क्या लेके आए हो, अरे और इंपॉर्टेंट लाए हैं, एस्कोचाइटा ब्लाइट, सेम टू सेम क्या है आपके चने के जैसा का जैसा ही है, तो कंट्रोल भी क्या करोगे, चने का जो कंट्रोल करोगे वो सेम टू सेम कंट्रोल आप यहां पे भी कर सकते हो, सॉयल एंड सीड बॉन्ड, एस्कोचाइटा लेंटिस से हो रहा है, ऑल प्लांट पार्ट एक्सेप्ट रूट, केवल रूट बच जाएगी, बाकी क्या होगा, पूरे का पूरा पेड़ पे आपको पूरे का पूरा सूखना देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, और क्या समझना है देखते हैं, ये रहा इसका सिम्टम। देखो आपके लिए हर डिजीज के पास में क्या लेके आए हैं, उसका फोटोग्राफ लेके आए हैं, जिससे क्या हो पाए, अपने को समझने में आसानी हो पाए। तो अगर अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको भी उतने बराबर की मेहनत करनी है, जिससे अपने को समझ में आ पाए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित अपन कर पाए। ठीक है साहब, फिर बात कर रहे हैं अपन तीसरी बीमारी एंथ्रेक्नोस की, किससे हो रही है, कवक से ही हो रही है, केवल साइंटिफिक नेम एस्कोचाइटा लेंटिस से हो रही है ना, इसका साइंटिफिक नेम और भी है, इसको याद रखना आप, एक साइंटिफिक नेम अपन कॉलिडोट्रैकम वगैरह की बात भी अपन करते हैं। ठीक है साहब, उसको भी अपन देख लेते हैं, अभी देखिएगा गुरु जी, ठीक है सब, आगे चलते हैं, एंथ्रेक्नोस की बात कर ली है, रस्ट की बात भी अपन कर लेते हैं ना, इसका साइंटिफिक नेम एक बार कंफर्म कर लेंगे फिर आपको बता देंगे, यूरोमाइसिस वीसी फेबे। अरे यूरोमाइसिस का मतलब क्या होता है, जितने भी उष्टिल लगो वाले मेंबर हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरोमाइसिस के नाम से जानते हैं। रस्ट की बीमारी है, रस्ट की बीमारी में क्या होगा, जो भी आपके पत्तियां हैं आपकी सारी पत्तियों पर क्या देखने को मिलेगा आपको, अरे भूरा भूरा कलर के दाने आपको देखने को मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे साहब, अरे सर ये तो बीमारी हो गई अपनी, किसकी, अरे अपनी बीमारी हो गई रस्ट। ठीक है साहब, इसके बारे में आपको बता दूं, एक कॉलिडोट्रैकम लिखना यहां पे, इसको हटा देना है ना, कुछ मिस्टेक हो गई होगी हमारे टेक्निकल टीम से। ठीक है भाई, कॉलिडोट्रैकम से क्या होती है आपकी एंथ्रेक्नोस देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, रस्ट के बारे में बता दिया, आप क्या करोगे, प्लांट वैक्स का ट्रीटमेंट करोगे, क्या करोगे साहब, प्लांट वैक्स का आप ट्रीटमेंट करके देख सकते हो। आगे चलते हैं भाई, अगली कौन सी आप लेके आए क्रॉप, आपके मटर की क्रॉप लेके आए हैं, हम सभी को पता है मटर के बारे में, पाइसम सटाइवम क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, क्रोमोसोम नंबर, गुण सूत्रों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 14 देखने को मिली। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, इसकी डिजीज की बात करते हैं, सबसे प्रथम डिजीज कौन सी है इसकी, पाउडरी मिल्ड्यू। वापस बता दूं, ऑलमोस्ट जितनी भी दलहनी फसलें हैं सभी के अंदर एक तो विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, मोजैक, ये तीनों ही क्या है, बहुत ही कॉमन क्या है आपकी डिजीज है, सभी में क्या है ऑलमोस्ट कॉमन चलेगी। ठीक है साहब, देखना इसकी बीमारी, पहली बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू किससे हो रही है, अरे सर साइंटिफिक नेम तो प्री पीजी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, कौन सा क्वेश्चन है, इरिशाइफी पीसी, क्या है भाई इरिशाइफी पीसी क्या है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। आगे बात करते हैं, इसमें होता क्या है, पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, कहां पे, लीफ पे, स्टेम पे और आपके पॉड पे। पॉड का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके सच में जो दाने आएंगे, जो मटर, मटर तो हम सभी खाते हैं ना भाई, ग्रीन कलर का मटर खाते हैं अपन, क्या खाते हैं भाई, मटर के अंदर कहां पे मटर मिलता है आपको, पॉड के अंदर से आपको मटर देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, लीफ बाद में येल्लो पड़ जाएगी और यहां पर भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, दोनों ही सिम्टम आपको देखने को मिलेगी।
देखो भाई फोटोग्राफ लेके आए हैं, दिख रहा है कि दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर की ग्रोथ आपको पत्ती पर, ये देखो आपको तने के आसपास, और ये कहाँ हो रही है आपके पॉड पे आपको देखने को मिलेगी। इससे होगा क्या, वही होगा साहब, प्लांट मर जाएगा, प्लांट के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम शो होगा। हल्की सी बात कर लेते अपनी क्लासेस के बारे में, हमारे हाईटेक क्या लेके आए हैं आपके लिए, सभी कोर्स बहुत ही किफायती दामों पर लेके आया है भाई। क्या करेंगे सर, अपन को ऐप पे जाना है और कोर्स को परचेज करना है। क्यों करना है, क्योंकि अपने को सिलेक्शन चाहिए। अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना है अपना, तो क्या करना है, पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी। अगर आज से पढ़ेंगे तो गुरुजी अगले साल के जितने भी एग्जाम हैं 2024 के 2025 के, वैकेंसी आने वाली है, भली सरकार रहे ये वाली या नहीं रहे, वैकेंसी तो आएगी आएगी। बहुत सारे लोग भ्रमित करते कि भाई सरकार बदल गई तो क्या होगा, सरकार यही रही तो क्या होगा। आप सरकार की मत सोचिए, अपनी तैयारी की सोचिए। अगर तैयारी करनी है तो क्या करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ाई शुरू कैसे करोगे, कोर्स को परचेस करके पढ़ाई शुरू करोगे। हमारे हाईटेक के सारे कोर्सेज हैं, क्या क्या है भाई, पशु परिचर रख का आपने क्या है कोर्स, अभी अभी नया नया आया हुआ, वैकेंसी भी आई हुई है। जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जितने भी अपने LSA का कोर्स करना चाहते हैं, सभी के लिए क्या है, अपन ने कोर्स को आपके डाल रखा है ऐप के ऊपर, और सभी कोर्स बहुत ही कम दामों पर आपको अवेलेबल हैं। इनको परचेज कीजिए और क्या कीजिए, अपने सिलेक्शन को, अपने तैयारी को क्या कीजिए, चालू कीजिए। ठीक है भाई, चलते हैं वापस अपने क्लास की तरफ, अपने कोर्स की तरफ। अगली बीमारी की बात करते हैं। अगली कौन सी बीमारी है भाई, डाउन मिल्डू की। अभी क्या पड़ी थी, इरिशाइफी पीसी, क्या थी भाई, पाउडरी मिल्डू ऑफ मटर, मटर में होने वाली पाउडरी मिल्डू को क्या बोलते हैं, इरिशाइफी पीसी से होने वाली। ठीक है साहब, अब शुरू करते हैं डाउनी। पाउडरी तो पढ़ ली, अब डाउनी की बात करते हैं। डाउनी का मतलब क्या होगा, आपके पत्ती के निचले भाग पर, लोअर लीफ पर होने वाली कौन सी, व्हाइट मोल्डी ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते। होती किससे है, परनोस्पोरा विसी। किससे हो रही भाई, परनोस्पोरा विसी। साइंटिफिक नेम किसका, कॉजल ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। ये क्या है, एक फंगस द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है साहब, इसकी एक साइड पर, मतलब क्या बोलो, अगर ये आपकी लीफ है, क्या है, ये आपकी लीफ है, तो लीफ के निचले भाग पर क्या होगा, व्हाइट कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और लीफ के अपर सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा, येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। ये रहे वो येलो कलर के स्पॉट, और ये नीचे वाले भाग में क्या हो रहा है, व्हाइट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साहब, ऐसी बीमारी है तो कौन सी बीमारी है बताओ, डाउनी मिल्ड्यू। किसमें, मटर में देखने को मिल रही है अपने को डाउनी मिल्ड्यू वाली बीमारी। आगे चलते हैं साहब, अगली बीमारी की बात करते हैं, अगली क्रॉप की बात करते हैं। कौन सी क्रॉप है, अरे पिजन पी की क्रॉप है, अरहर की बात कर दी, कैजेनस कैजान। क्या भाई, कैजेनस कैजान क्या है इसका, अरे साइंटिफिक नेम है साहब, कैजेनस कैजान के बारे में एक एक्सेप्शन की बात कर देता हूं। इसमें क्या होता है, लोमेंटम नाम का, जहां पर पॉड आता है, या यूं कहो कि जहां पर आपके बीज आ रहा है ना साहब, ये जो आपके बीज आ रहा है, इसमें मान लो कि क्या है, आपके बीज आपको देखने को मिल रहे, तो जिस भाग में जनरली क्या बोलते हैं अपन, पॉड बोलते हैं, तो आपकी पिजन पी में पॉड ना कहकर अपन क्या कहते हैं, लोमेंटम का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इसलिए आपको मैंने क्या किया, यहां पर बता दिया। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल सुनील जी, गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग साहब। समझ में आया कि नहीं आया, पिजन पी के अंदर लोमेंटम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब क्या है, ऑलमोस्ट सभी से आपके सेम चल रहा है। ठीक है साहब, ये पिजन पी की जो क्रॉप है वो जनरली क्या है, 6 से 8 महीने लगाती है मैच्योर होने में। ठीक है साहब, 6 से 8 महीने लगाती, कौन सी क्रॉप आपकी, पिजन पी की क्रॉप, बाकी सारी बातें आपके सेम। विल्ट की बात करते हैं, इसमें भी क्या हो रही है साहब, विल्ट हो रही है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फॉर्मा स्पीशीज उडम। क्या हो रही है भाई, विल्ट का मतलब क्या है, देखो ये रहा आपके अरहर का पौधा, अरहर के पौधे में क्या होगा, आपके पूरा पौधे में ऐसा रहेगा, क्या हो गया, पौधा सूख गया। बेचारा किसान क्या करेगा, वहां पर पानी सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, पर आपको दोनों से ही क्या होगा, फायदा नहीं देखने को मिलेगा, और आपको पूरे के पूरे पौधे में सूखना देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, चलो देखते हैं भाई और क्या है। ये सबसे ज्यादा सीरियस डिजीज है, मतलब क्या है, पूरे भारत में अगर यूं कह दो
कि आपकी अरहर में होने वाली सबसे भयानक बीमारी कौन सी है, तो बताओ कौन सी है। विल्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट सीरियस या मोस्ट सीवियर डिजीज। ये कैसी है आपकी, सॉइल बॉर्न डिजीज है। मतलब क्या, अरे भाई मिट्टी से होने वाली बीमारी है। मिट्टी का मतलब क्या है, आपकी मिट्टी के द्वारा फैलेगी बीमारी कौन सी है, विल्ट वाली बीमारी। ठीक है साहब, ये आपने पढ़ ली, आपने समझ ली, तो अगली आपके डिजीज की बात करते हैं। कौन सी डिजीज है, अरे पाउडरी मिल्ड्यू की डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा, वही होगा साहब जो अभी तक होता आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और मोजैक ऑलमोस्ट सभी पल्सेस में क्या है, बहुत ही कॉमन फैक्टर है। समझना साथियों, पाउडरी मिल्ड्यू किससे हो रही है, ओइडियम टोरिका या क्या है आपके लेवेलुला टोरिका, सब में क्या है ये सेम है, कॉमन है, इसलिए क्या है बार बार पढ़ना की जरूरत नहीं है। सर उखड़ा रोग भी कहते हैं, बिल्कुल सही, उखड़ता रोग भी कहते हैं इसको, सही बात कह रहे हो साहब आप, है ना। सल्फर फंजीसाइड का क्या करेंगे साहब, अपन स्प्रे करेंगे। अगर पाउडरी मिल्ड्यू कहीं पे भी आ जाए तो क्या बोलना है, पाउडरी मिल्ड्यू से बचने के लिए सल्फर फंजीसाइड का उपयोग करेंगे या केराथेन का उपयोग अपन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, पल्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके 10 स्टार क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। क्या कि पल्स में एक बीमारी होती है, पल्स में भी कौन सा, पिजन पी के अंदर एक बीमारी होती है अरहर में, जिसका नाम है स्टेरिलिटी मोज़ेक। अरे क्या नाम है भाई, स्टेरिलिटी मोज़ेक का नाम है। स्टेरिलिटी मोज़ेक का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, अरे स्टेराइल का मतलब ऐसा पौधा जो अपनी संतान नहीं बना पाए। ठीक है साहब, वो कौन सी बीमारी है, स्टेरिलिटी मोज़ेक। मतलब क्या है, उसके जो भी पोलन है वो पोलन नॉन वायबल हो जाएंगे, जो अपने आगे जाकर संतान पैदा नहीं कर पाए। क्लियर हुआ क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी मोज़ेक। क्या है इसका साइंटिफिक, आपके वायरस का नाम क्या है, स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। सब कौन किससे हो रही है, वायरस से होने वाली बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन प्लेग नाम है। ग्रीन प्लेग क्यों कह दिया, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्रीन का मतलब क्या, हरा। अगर अब सोचो आपकी किसी ऐसे पौधे में जिसमें बीज बनना बंद हो गए, बीज नहीं बनेंगे, तो वो पौधा कैसा रह जाएगा, हरा भरा ही रह जाएगा। बीज क्या है उसके अंदर, नहीं बन पाएंगे, तो क्या बोलेंगे, अरे स्टेरिलिटी मोज़ेक का नाम दिया, फिर क्या बोल दिया, ग्रीन प्लेग का नाम अपन ने वहां पर रख दिया। क्लियर हुआ क्या साहब, दो नाम है बहुत जरूरी। इसको अगर वायरल डिजीज है तो सभी वायरल डिजीज का क्या होता है, कोई एजेंट होता है। एजेंट मतलब क्या होता है, वाहक साहब। कोई एक पौधे से दूसरे पौधे पर अगर वो बीमारी लग रही है तो कोई ना कोई एजेंट तो जरूर होगा ही होगा। उस एजेंट का नाम क्या है, इरियोफिड माइट। क्या नाम है भाई, इरियोफिड माइट। उस माइट का नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, एकेरिया के जानी। ये क्वेश्चन भी आपके 3 स्टार है, पहले बहुत बार यहां से सवाल आ चुका। ठीक है साहब, क्या सवाल आ चुका कि स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाय, कौन सी बीमारी, कौन सा क्या है इसका वाहक है, कौन सा एजेंट है जो क्या करता है, इस बीमारी को फैलाता है। इरियोफिड माइट नाम का क्या है इसका, आपके एजेंट है, वाहक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एकेरिया केजानी। इसमें होता क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना कि केवल ब्रांचेस ही बच जाएगी, अपन क्या बोलेंगे कि शानदार फसल हुई है, बहुत ही पौधा क्या हो गया है, अरे हरा भरा हो गया है। पर एक्चुअल में क्या हो गया है, वो केवल हरा भरा ही हुआ है, उसके अंदर क्या नहीं आया है, अरे बीज तो बना ही नहीं साहब। बेचारा किसान क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बीमारी कौन सी हो गई है, स्टेरिलिटी मोज़ेक हो गई है। मैंने क्या कराया आपको, 10 स्टार मार्क कराया, याद रखिएगा, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरे क्रॉप आ गई है अगली, कौन सी, आपके उड़द की फसल आ गई, उड़द, सॉरी उड़द की फसल आ गई है, उड़द। उड़द तो पता है कि नहीं पता है, उड़द साइंटिफिक नेम आपको बता दिया है, विग्ना मुंगो। क्या है भाई इसका, विग्ना मुंगो। और इसकी बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूंग की फसल बोलते हैं। मूंग की फसल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विग्ना रिकोंडिटा, है ना, या फिर कोई कोई क्या बोलते हैं इसको, रेडिएटा के नाम से भी जानते हैं।
RADIATA है ना, विग्ना रेडिएटा। इसको विग्ना रिकॉन्डिटा को हटा देना, क्योंकि रिकॉन्डिटा क्या है, अब कोई भी इसको नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका क्या बोलते हैं, विग्ना मुंगो। साहब सबसे पहले डिजीज की, पहली बीमारी की बात करते हैं, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। इसमें क्या होगा साहब, इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे धब्बे धब्बे नुमा कहां दिखेंगे आपको, पूरे ही आपको। सबसे अच्छी कोचिंग, बिल्कुल सबसे अच्छी कोचिंग है भाई, है ना, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। देखना भाई, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की बात करते हैं, क्या होता है, आपकी पत्तियों पर और आपकी तने पर क्या देखने को मिल जाए आपको, धब्बे नुमा क्या दिख जाए, आकृति देखने को मिल जाए। कैसी होगी, ये रहा डायग्राम आपके लिए, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों क्या हो रहा है आपको, धब्बे नुमा आकृति देखने को मिल रही है। ये रहा आपको, ऐसी क्या है आपकी फसल में बीमारी लगी, किससे लगती है, सर्कोस्पोरा एरे चिडिकोला, किससे हो रही है, सर्कोस्पोरा एरे चिडिकोला से होने वाली बीमारी है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, केवल दो ही बातें हैं, इसका नाम क्या है सर, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। होती किसमें है, आपके उड़द और मूंग की फसल में आपको देखने को मिलेगी। और साहब इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जितना भी आपका लीफ है, स्टेम है, पॉड है, उन सभी में क्या होगा, ऐसे आपको धब्बे धब्बे देखने को मिलेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, कौन सी बीमारी लेके आए हो, फ्यूजीरियम विल्ट लेके आए हैं। अरे ये विल्ट तो दोस्तों पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हर आपकी दलहनी फसल में होने वाली बीमारी कौन सी है, आपकी विल्ट है। बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अपन बीएससी हो जाए, एमएससी हो जाए, सुपरवाइजर हो जाए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हो जाए, सभी की क्या करते हैं, अपन तैयारी करते हैं, अपने को सभी एग्जाम में क्या है ये सारी बातें पूछते हैं, चाहे आपके बिहार बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो जाए, सब में क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ठीक है साहब, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फंगस का, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है क्या, नहीं है गुरुजी, पता पड़ गया कि पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा विल्ट में। चारकोल रोट, रोट का मतलब क्या होता है, सड़ान, क्या होता है भाई, सड़ान, सड़ान का मतलब क्या है, ये देखो ऐसा, और क्या होगा आपके जो तने वाला जो भाग है, तने वाले भाग में आपको सड़ान देखने को मिलेगी, और वो सड़ान भी कैसी होगी, बिल्कुल काले रंग की क्या होगी आपको वो तना देखने को मिलेगा। तो क्या बोल दिया अपन ने, चारकोल रोट। साहब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मैक्रोफोमिना फेशोलिना या फिर राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, दोनों में से कोई भी क्या होगा, अगर आपको नाम देखने को मिले आप बोलोगे बिल्कुल चारकोल रोट क्या है, इसी फंगस से हो रहा है। आगे चलते हैं, अगली बीमारी कौन सी लेके आए, देखिएगा येलो मोजेक। अरे ये मोजेक भी क्या है, ऑलमोस्ट सभी में हो रहा है, याद रखना। क्या है भाई मोजेक में, जितना भी मोजेक है मैंने आपको बताया था, जितना भी मोजेक है उसको याद कैसे रखना है, एफिड से होने वाला है, पर यहां क्या हो गया है, अरे भाई एक्सेप्शन आ गया है, किससे हो रही है, व्हाइट फ्लाई से हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मूंग बीन मोजेक और येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, आपकी भिंडी में और आपकी मूंग के अंदर मोजेक किससे हो रहा है, लीफ आपके किससे हो रहा है, व्हाइट फ्लाई से हो रहा है ना भाई, लीफ ऊपर नहीं, व्हाइट फ्लाई क्या हो रहा है भाई, व्हाइट फ्लाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेमेसिया टबेसी, क्या बोलते हैं भाई, बेमेसिया टबेसी इसका साइंटिफिक नेम है। होगा क्या, जो आपकी पत्ती होगी, मान लो क्या है, ये आपकी पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये जो पूरा का पूरा भाग है वो कैसा हो जाएगा, अरे येलोविंग देखने को आपको मिलेगी, कैसा बन जाएगा आपके, येलो येलो बन जाएगा। इससे होगा क्या, जो भी आपके फूड बन रहा है, जो भी आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो रहा है, वो सब क्या हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी यील्ड कम हो जाएगी, पैदावार क्या हो जाएगी, कमी देखने को मिलेगी। बताओ कौन सी बीमारी है, आपके मोजेक नाम की बीमारी है। सर जी मैंने 15 दिसंबर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर, बिल्कुल आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो तो भी क्या होगा, यहां से आपके क्लियर हो सकता है, बहुत सारी बातें क्या होगी आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी यहां से आ सकती है। आगे चलते हैं, अगली बीमारी की बात करते हैं, अगली क्रॉप की बात करते हैं। अरे चवला तो खाया कि नहीं खाया, कौन सी क्रॉप है भाई आपके, चवला,
चवले की क्रॉप है, कौन सी? काउपी बोलते हैं चवले को, ठीक है साहब। आप बात करते हैं इसकी पहली बीमारी की, रूट रॉट, या क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, डैम्पिंग ऑफ जनरली सीडलिंग स्टेज में देखने को मिलती। कहां पे? सीडलिंग स्टेज में। कहां भाई? सीडलिंग स्टेज में बहुत ही कॉमन बीमारी है। कौन सी? आपके डैम्पिंग ऑफ। होती किससे है? पीथियम नाम के, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसका पीथियम ही है, राइजोक्टोनिया या मैक्रोफोमिना भी हो सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है इसका? पीथियम है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी जड़ें हैं वो तो सड़ेगी, प्लस आपके जो नीचे का भाग है, स्टेम वाला भाग भी, वहां पे भी क्या होगा, आपको सड़ान देखने को मिलेगी। क्या बोलेंगे? अरे सर, रूट रॉट या डैम्पिंग ऑफ दोनों ही हो गया। लोबिया, बिल्कुल सही, लोबिया के नाम से भी, आप बिल्कुल सही, लोबिया के नाम से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा, रैपिड डेथ देखने को मिले, किसको? यंग प्लांट के आपको रैपिड डेथ देखने को मिलेगी। मतलब क्या होगा, जो आपका यंग प्लांट है, सीडलिंग निकला हुआ अभी जस्ट बाहर आया है, और क्या हो जाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक बीमारी लगी जिसका नाम क्या है, डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी। और क्या होगा भाई, डिसकलरेशन होगा, मतलब क्या, येलोविंग देखने को मिल जाएगी, टैप रूट पे लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक देखने को मिलेगी, मतलब क्या, स्टेम का फट जाना। स्टेम के फट जाने को क्या बोलते हैं? अरे आपके लॉन्गिट्यूडिनल कट बोलते हैं। करोगे क्या आप? अरे सॉइल की ड्रेंचिंग करेंगे, किससे? कार्बेंडाजिम से सॉइल की ड्रेंचिंग करेंगे। मतलब क्या है, आपकी मिट्टी के अंदर क्या करोगे आप, कार्बेंडाजिम को अप्लाई करोगे, जिससे क्या होगा, सॉइल ड्रेंचिंग उसको अपन बोलते हैं, और अपन बीमारी से बच सकते हैं। आगे चलते हैं साहब, और क्या लेके आए आपके लिए, देखिएगा सर, अगली बीमारी है सदर्न ब्लाइट। सदर्न ब्लाइट होती किससे है? फंगस से होती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? स्क्लेरोटियम रोल्सी। क्या है भाई? स्क्लेरोटियम रोल्सी नाम का क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, और क्या लाए हैं साहब आपके लिए, देखिएगा इसमें होता क्या है। येलोविंग, अरे सभी के अंदर येलोविंग होती है क्या? बिल्कुल, येलोविंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑलमोस्ट हर बीमारी का, पर किसी में क्या होती है, येलोविंग अलग अलग भाग से होती है भाई। स्पॉट होगी, येलोविंग हो गई, किसी में पूरा तना हो गया, किसी में केवल लीव्स हुई, सबका अलग अलग क्या है, येलोविंग होने का तरीका। यहां क्या हो रहा है भाई, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो नीचे का भाग है, क्या कहते हैं, जो स्टेम और रूट के आसपास का जो भाग है, वहां पर ऐसी व्हाइट व्हाइट क्या होंगे, स्पोर देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे भाई? व्हाइट व्हाइट के स्पोर देखने को मिलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे सदर्न ब्लाइट नाम की बीमारी हो गई। इसमें क्या होगा, व्हाइट कलर का माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, फैन शेप का पैटर्न बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, थ्री स्टार क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या होगा, जो आपका निचला भाग है, स्टेम का भाग है ना भाई, कार्बेंडाजिम की मात्रा, भाई कार्बेंडाजिम की मात्रा डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आपकी बीमारी आई है। जनरली क्या होता है, आपके 200 से 300 क्या होता है, आपके बीच में वेरी करती है, जनरली पीपीएम होती है भाई, 200 से 250 पीपीएम क्या करते हैं अपन, इसको सप्लाई करते हैं पानी में डालकर, उसकी क्या करते हैं अपन, ड्रेंचिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है सब। लीफ और क्या होता है इसका, सॉइल के आसपास आपको बीमारी देखने को मिलेगी। समझ में आया क्या? क्या होगा, जहां से आपका पौधा बाहर निकल रहा है, रूट और स्टेम के जो बीच का भाग है, ये वाला भाग जहां से निकला है, वहां पर नीचे की तरफ क्या होगा आपको, वहां पर व्हाइट ग्रोथ देखने को मिलेगी, किसकी, फंगस की मिलेगी, और वहां पर क्या हो जाएगा, सड़ना देखने को मिलेगा पूरे पौधे में, धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहां पहुंच जाएगा, पूरे पौधे में पहुंच जाएगा, और ब्लाइट के सिम्टम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है साहब। सभी का कंट्रोल क्या है, फंजीसाइड वगैरह डालोगे, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाओगे, क्रॉप रोटेशन वगैरह सब कुछ अपन करके देख सकते हैं। अगली बीमारी कौन सी लाए हैं भाई, मोज़ेक की बीमारी लाए हैं। वापस क्या है, एक एक्सेप्शन आ गया। अरे गुरुजी कितने एक्सेप्शन हैं? अरे भाई एक्सेप्शन तो क्या है, याद रखने ही पड़ेंगे। मैंने क्या बताया था ट्रिक, एम ए से याद रखना है, जितना भी मोज़ेक है सब कहां से होता है, अरे सब होता है एफिड से। एफिड से होने वाली बीमारी क्या होती है आपके, मोज़ेक क्या करता है, एफिड उसको ट्रांसमिट करता है, एक से दूसरे पौधे में पहुंचाता है। पर याद रखना, विविल थ्रिप और ग्रास हॉपर कौन करता है इसको, वेक्टर करता है, इंपॉर्टेंट है। मतलब मोज़ेक
आपके काउपी के अंदर मोज़ेक को पहुंचाने वाला कौन सा हो गया? विबल हो गया, थ्रिप हो गया और ग्रास ऑपर हो गया। सिम्टम क्या होंगे? सेम टू सेम सिम्टम होंगे। लीफ क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। आपके जो बीच का भाग है वो क्या हो जाएगा? पीलापन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं भाई, और दो तीन क्रॉप अपने आखिर में बच रही है, उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। क्लस्टर बीन, अरे क्लस्टर बीन को क्या बोलते हैं? कभी ग्वार की फली खाई क्या? ग्वार फली जो होती है वो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लस्टर बीन बोलते हैं। इसका एक नाम और है लॉन्ड बीन। लॉन्ड बीन भी किसका नाम होता है? आपके ग्वार फली का ही नाम होता है। इंपॉर्टेंट है साहब, इसकी पहली बीमारी कौन सी लेके आए हो? बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी है, जो क्या करेगी? होती किससे पहले उसको समझो, ज़ेंथोमोनास साइनोप्सिडिस। किससे हो रही है भाई? ज़ेंथोमोनास साइनोप्सिडिस से क्या हो रही है आपके ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है। और क्या होगा? ब्लैंकिंग हो जाएगी और क्रैकिंग हो जाएगी। मतलब क्या? जो आपका तने वाला भाग है जो, उसमें क्या हो जाएगा? अरे काला पड़ जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? वो तना फट जाएगा। कौन सी बीमारी है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ क्लस्टर बीन। ग्वार फली के अंदर जो तना है वो क्या हो जाएगा? आपके सूख जाएगा और क्या हो जाएगा? उसमें दरारें आपको देखने को मिलेगी। क्या करोगे? 250 ppm एग्रीमाइसिन और 200 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये दोनों ही क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हैं या एंटी बैक्टीरियल दवाया हैं, जिनको क्या करोगे आप? स्प्रे करोगे या सीड ट्रीटमेंट करोगे, क्या करोगे? इस बीमारी से बचने के लिए। साहब अगली बीमारी कौन सी है? अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट नाम की बीमारी है। इससे क्या होता है गुरुजी? देखो, ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये कैसे होते हैं? इनका दूसरा नाम बुल्स आई अपियरेंस भी आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या होंगे? आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, होती किससे है? अल्टरनेरिया साइमोप्सिडिस से क्या हो रही है? ये आपके कवक से द्वारा होने वाली बीमारी है, फंगल बीमारी। और क्या लाया हो भाई? एंथ्रेक्नोज लेके आए हैं, वापस आ गया एंथ्रेक्नोज। कोलेरोट्राइकम कैप्सिसी से क्या होती है? एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज मेनली आपकी कहाँ होता है? आपकी आम की फसल में भी एंथ्रेक्नोज देखने को अपने को मिलता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो आपके ग्वार की जो फली आई है, उस फली पे मेनली डैमेज आपको देखने को मिलेगा। फली के ऊपर ऐसे भूरे रंग की क्या होंगे? ऐसे चकते या ब्लैक ब्राउन स्पॉट क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। ये बीमारी क्या है आपकी? आपके है एंथ्रेक्नोज की। लास्ट एंड फाइनल क्या लाए हैं आपके लिए? मोट बीन लेके आए हैं, विग्ना एकोनिटी फोलिया। अरे अगर आपने कभी बीकानेरी भुजिया खाई हो, तो बीकानेरी भुजिया किसकी बनती है दोस्तों? मोट की ही बनती है। ये भी क्या है? आपकी दलहनी फसल के अंदर आती है। इसकी पहली बीमारी कौन सी है? चारकोल रोट या एशी स्टेम ब्लाइट। अरे एश का मतलब क्या होता है? राख। क्या होता है भाई? राख मतलब होता है ऐश से। क्या होगा दोस्तों? ऐसा लगेगा किसी ने क्या करा, राख डाल दी हो आपके स्टेम के अंदर। कौन सी बीमारी है आपके? है चारकोल रोट या एशी स्टेम ब्लाइट। चारकोल का मतलब क्या होता है? काला या भूरा, और रोट का मतलब क्या? सड़ना। ऐसा क्या दिखेगा आपको? स्टेम देखने को मिलेगा। क्या बोलोगे? अरे चारकोल रोट या एशी स्टेम ब्लाइट। राख नोमा क्या है आपके? आग लगा दी हो ऐसा लगे। किससे हो रही है? मैक्रोफोमिना फेशियोलिना से क्या हो रही है आपके ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसी है भाई? सॉइल बोर्न मतलब मिट्टी द्वारा होने वाली बीमारी है। करोगे क्या इसके अंदर? आपको पहले तो येलोविंग देखने को मिलेगी, उसके बाद में जो तना होगा वो वहां के यहां से क्या होगा? टूट जाएगा और ये बीमारी क्या हो जाएगी? पूरे पौधे में फैल जाएगी और आसपास वाले क्या हो जाएगी आपको? फैल के देखने को मिलेगी।
आगे चलते हैं साहब, एक लास्ट बीमारी लेके आए हैं आपके लिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की। कौन सी? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की बीमारी लेके आए हैं। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ना, ये दो टाइप की होती है। पहला क्या है? हेलो ब्लाइट, और दूसरा क्या है? कॉमन ब्लाइट। याद रखना दोस्तों, पहली क्या है? हेलो ब्लाइट, दूसरी क्या है? कॉमन ब्लाइट। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं। दोनों के ही साइंटिफिक नेम अलग है। किसके? कॉजल ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम कह दो क्या है, अलग अलग है। पहले बात करते हैं हेलो ब्लाइट की, क्या डिफरेंस है दोनों की, बात करते हैं। होती किससे? सुडोमोनास सिरिंजी। किससे हो रही है भाई? सुडोमोनास सिरिंजी से होने वाली बीमारी है। ये किससे हो रही है? जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस। दोनों को करने वाला कौन? आपके बैक्टीरिया। दोनों में ही अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या याद रखना? हेलो ब्लाइट और आपकी कॉमन ब्लाइट। हेलो ब्लाइट की बात करें, ये ज्यादा कहाँ होती है? ठंडी जगहों में आपको देखने को मिलती है। ठंडी जगह पर ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी है, गर्म जगह पर क्या मिलेगी आपको? कॉमन ब्लाइट देखने को मिलेगी। ये रही आपकी हेलो ब्लाइट, ये रही आपकी कॉमन ब्लाइट। थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही क्या है? आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं। इतना पढ़ना है अपने को। और इसी के साथ क्या करते हैं अपन, अपनी दलहनी फसलों की आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं हमारे सभी साथ वालों को, दोस्तों को अपनी क्लास समझ में आई होगी। वापस मुलाकात करते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।